सब अपने घरों पे बहुत अपना ध्यान रख रहे होंगे थर्ड क्लास। सो थर्ड क्लास आज हम करेंगे ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। क्या करेंगे ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 लीव्स तक काम कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। सो एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कुछ हम पेट एनिमल्स भी रखते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स स्विम कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लाई और स्विम दोनों कर सकते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का वर्ल्ड, जानवरों का दुनिया, जानवरों की दुनिया। जैसे कि हम अपनी दुनिया में जीते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जैसे जीते हैं, ऐसे ही एनिमल्स ही अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक है, बस फर्क ये हो जाता है कि हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन बींग और एनिमल्स बोल नहीं सकते, सिर्फ यही हम लोगों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अपनी लाइफ जीते हैं वैसे कि एनिमल्स भी जीते हैं। एनिमल्स और हम आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बिल्कुल, एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे कि स्मॉल एनिमल लाइक आप देख रहे हो, ये आपका फॉक्स, स्क्वायरल, कैट एंड गोट, ये क्या है स्मॉल एनिमल। बिग एनिमल ये आपकी है व्हेल, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, राइनोसोरस। ठीक है, तो ये है बिग एनिमल, तो एनिमल इन द वर्ल्ड। डू यू नो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ब्लू जो व्हेल होती है क्लास, जो ब्लू व्हेल होती है वो लार्जेस्ट एनिमल होती है, वो इस वर्ल्ड की, इस धरती की सबसे बड़ा एनिमल है। ये बहुत गहरे गहरे ओशंस में पाई जाती है, ये ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे आपको रिवर में या छोटे मोटे ओशंस में मिल जाएगी। ये पैसिफिक ओशियन और बहुत सारे गहरे गहरे, बहुत बड़े बड़े समुद्र, बहुत गहरे गहरे समुद्रों में ये जो मछलियां होती हैं देखने को मिलती है। और ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। और जो ब्लू व्हेल है वो बहुत लंबी और बहुत चौड़ी होती है, जो कि लार्जेस्ट है आपके वर्ल्ड में। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हिच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो आप क्या आंसर दोगे मुझे, क्या आंसर दोगे क्लास? ब्लू व्हेल। तो लिख लो इसको आप। ठीक है, ये आपके बीच बीच के क्वेश्चंस हैं, इनको लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। आंसर दोगे मेरे को ब्लू व्हेल, एनिमल इन द वर्ल्ड। तो आप कहोगे ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट सकते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर वन वर्ड
क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं, फिलअप में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं। तो तीनों तरीके से आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं फिलअप में द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल इन द वर्ल्ड, तो क्या लिखोगे? फिलअप दे दूं अगर वर्ल्ड के आगे तो ब्लू व्हेल लिखोगे, या अब मैं आपको लार्जेस्ट के पहले आपको वो दे दूं ब्लैंक तो आप ब्लू व्हेल लिखोगे। नेक्स्ट में अगर मैं आपको पहले ब्लैंक दे दूं डैश इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, तो आप क्या लिखोगे? एलिफेंट। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक एक बार क्लास नोट कर लेना अपने कॉपी बुक के अंदर ही, ठीक है, बुक में ही नोट कर लेना तो याद रहेगा। जब आप बुक भी इवन ओपन करोगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल। डोमेस्टिक जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल जो सिर्फ एनिमल जंगल में रह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लायन को हम अपने घर में रख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज वो वाइल्ड एनिमल है। बट हाँ, हम डॉग को अपने घर में रख सकते हैं बिकॉज वो डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल दैट आर केप्ट एट होम, जिन एनिमल्स को हम अपने होम पे रख सकते हैं, हम अपने घर में रख सकते हैं, डॉग्स, कैट्स, पैरट, रैबिट आर कॉल्ड एनिमल दैट आर केप्ट एट फार्म लाइक गोट, शीप एंड हॉर्स आर पर डोमेस्टिक एनिमल। जो एनिमल हम घर पे रख सकते हैं लाइक डॉग, कैट, पैरट, रैबिट आर कॉल्ड पेट एनिमल। और जिन एनिमल को हम फार्म्स में रखते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं, कुछ एक शहर से अलग हटके जगह होती है, वहाँ खूब सारे खेत होते हैं, उन खेत को कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक मैन ले लेता है, खरीद लेता है पैसों से, और उस जगह पे बहुत सारे अपने एनिमल्स छोड़ देता है। जैसे कि गोट आप रख सकते हो, शीप रख सकते हो, हॉर्सेस रख सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल विच लिव इन फॉरेस्ट कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, और जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल। तो पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में डिफरेंस पता चल गया, और वाइल्ड एनिमल्स में भी। तो आप तीनों को मार्क कर लो, ठीक है। मैं अगर पूछती हूँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ बड़ा था पेट एनिमल्स, तो आप लिखोगे कैट, पैरट, रैबिट। वट आर द डोमेस्टिक एनिमल? गोट, शीप एंड जिराफ, सॉरी हॉर्स। सो आप यही बताओगे ना मेरे को? देखो पीछे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट आर द डोमेस्टिक एनिमल, व्हाट आर द स्केवेंजर, डोमेस्टिक एनिमल का क्वेश्चन पीछे भी आपसे है। ठीक है ना? तो आप लोग लिख लो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो What are pet animals और what are domestic animals? ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन आपके और बनते हैं क्लास। साथ साथ नोट करते चलना, बुक में ही नोट कर लो, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो कहीं पर भी, बुक में नोट कर लो बेटर रहेगा। What are pet animals?
तक नोट करा, कर लो नोट जल्दी से, फिर आगे चलेंगे हम। Legs. Snake.
लीव्स एंड अर्थवर्म डू नॉट हैव लेग्स। ठीक है, समझ में आया क्लास यहाँ तक? आगे चलते हैं, व्हाट एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स खाना खाते होंगे, हमारी तरह रोटी सब्जी नहीं खाते, उनका खाना कुछ। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। एनिमल जो है वो कुछ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ अदर फूड रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक पढ़ो एक बार, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ो क्लास। यहाँ तक अच्छे से रीड करना और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको अपनी बुक्स में नोट कर लेना। ठीक है, उनको अपनी बुक्स में नोट कर लेना और लर्न कर लेना इन सब चीजों को ध्यान, और चैप्टर को एक बार दोबारा रीड करना जहाँ तक मैंने अभी तक आपको कर। ओके क्लास,
समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? थैंक यू क्लास।